Please subscribe, like, press the bell icon and share the video. जो उन डेफिनेशंस के बाद अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज है 1.1. उनमें क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अब आप लोगों के माइंड में सबसे पहले ये चीज आएगी कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होते हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस मैं आपको पहले बताऊंगी, उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, आपको उसको समझाऊंगी और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कॉलम का मर्तबा. कॉलम का मर्तबा हमने कैसे मालूम करना है, यानी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे. द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको क्या कहेंगे, वो होगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, अब वो क्या कहते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम बाय एन. ठीक है, m बाय n से इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे. यहाँ पे m क्या होगा, m नंबर ऑफ रोज होगा और n नंबर ऑफ कॉलम होगा. m नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और उसके बाद n नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अब यहाँ पे m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, उसको m बाय n की फॉर्म में लिखेंगे. यानी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज लिखेंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे. लेट्स एग्जांपल की तरफ चलते हैं. एग्जांपल हमारे पास क्या है, b इज इक्वल टू 3 4 7 8, ये कॉलम है हमारे पास. फाइंड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है. ठीक है, हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स. इसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 रो 2 रो. ठीक है, R1 R2, कितनी रो है इसकी, 2 रो है. ठीक है, 2 रोज हैं इसकी. उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, C1 ये हो गया और ये C2 हो गया. ठीक है, C1 और C2 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं. यानी नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 2. अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे होगा, कैसे, m बाय n. m क्या है, 2. m की जगह क्या लिख दिया, 2 बाय, इसको ऐसे ही लिख दिया. और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2. यानी इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2 बाय 2. तो इस तरह बच्चों आपने हर कॉलम का ऑर्डर फाइंड करना है. ठीक है, अब आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना भी आ गया है.